नमस्कार दोस्तों, आज के लेसन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ किसी सॉन्ग का नोटेशन शेयर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हारमोनिका से रिलेटेड आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो बहुत ही आपको, मेरे ख्याल से ये जो जानकारी है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, तो उसका तो आप ही आकलन करेंगे, आप ही असेस करेंगे कि आपको ये जानकारी लाभप्रद लग रही है या नहीं। लेकिन मेरे दिमाग में ये आया तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो हारमोनिका के डिफरेंट स्केल्स से रिलेटेड है। ये एक सबके साथ, एक जो भी हारमोनिका प्ले करते हैं उनके लिए शुरुआत में ये हमेशा एक कंफ्यूजिंग सा विषय रहता है। और आज का जो ये लेसन है उसके लिए मैंने कुछ खास तैयारी नहीं की है, बस कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो जब हम कुछ दिन तक सी की का हारमोनिका बिगनर्स बजा लेते हैं तो वो, और उनको ये पता लगता है कि डिफरेंट कीज़ के हारमोनिका होते हैं और सॉन्ग्स भी अलग अलग स्केल में कंपोज किए हुए होते हैं, तो उनके मन में ये लगता है कि मैं और किसी की का हारमोनिका भी ख़रीदूँ। तो ये टॉपिक उसी से रिलेटेड है। तो पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ 10 होल्स का जो डायटोनिक हारमोनिका होता है, जो वेस्टर्न म्यूज़िक में ज़्यादा यूज़ होता है, वहाँ से हम शुरू करते हैं। इस तरह के जो हारमोनिकाज होते हैं वो रिक्टर ट्यूनिंग पे उनकी ट्यूनिंग होती है, यानी कि जो मिडल ऑक्टेव है उसके नोट्स सारे होते हैं, लेकिन लोअर ऑक्टेव के नोट्स और हायर ऑक्टेव के नोट्स, सारे नोट्स मौजूद नहीं होते हैं लोअर ऑक्टेव के। और ये इसका जो, अगर हम सी स्केल की बात करें रेफरेंस के लिए, तो सी स्केल के 10 होल हारमोनिका का जो मिडल ऑक्टेव का सी है वो 4th होल को ब्लो करने से मिलता है और वहाँ से आप सारे गामा बजा सकते हैं। उसके पहले के, यानी कि होल नंबर 1, 2, 3, इस पे कॉर्ड्स बजाने का काम होता है सॉन्ग्स के साथ, लेकिन कुछ नोट्स इसमें मिसिंग होते हैं। तो अब रेफरेंस के लिए आज मैं हॉर्नर का, मेरे पास ये गोल्डन मेलोडी 10 होल्स हारमोनिका है, इसके रेफरेंस से हम बात करेंगे डायटोनिक हारमोनिका की। तो इसमें जो 4th होल, जैसे मैंने बताया, 4th होल को जब ब्लो करूँगा तो आपको मिडल ऑक्टेव का सी मिलेगा। पहला होल भी सी है लेकिन वो लोअर ऑक्टेव का सी है। तो अगर अब मैं किसी और की का हारमोनिका खरीदता हूँ, डायटोनिक की बात कर रहे हैं अभी हम, जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे पास ई की का हारमोनिका है, ये शायद आप देख पाएंगे इस पे ई लिखा है, ये इस स्टॉप का हारमोनिका है 10 होल्स। तो ई की का है, यानी कि इसका जो सा है वो ई की है, और 4th होल को ही जब हम ब्लो करेंगे इस हारमोनिका पे हमें ई नोट मिलेगा, जैसे कि सी की पे हम 4th होल ब्लो करने से सी नोट मिलता है। उसी तरह से हम अगर दूसरा कोई हारमोनिका लेंगे जिस की का होगा, 4th होल पे ब्लो करने से हमें वो नोट मिलेगा। तो ये इसका, ये इसका मिडल ऑक्टेव ई नोट है। अब मैं रेफरेंस के लिए सी की के हारमोनिका पे यही नोट बजाऊंगा,
तो हमें पता है कि फोर्थ होल ब्लो है, फिर फिफ्थ होल पे जब हम ब्लो करते हैं तो हमें ई नोट मिलता है। ध्यान सुनिए, ये सी की क्या हारमोनिका पे ई नोट है, और अब मैं ई की क्या हारमोनिका पे यही बजा रहा हूं, फोर्थ होल ब्लो। तो आप देखेंगे कि ई की क्या हारमोनिका पे डायटोनिक पे फोर्थ होल पे ब्लो करने से हमें मिडिल ऑक्टेव वाला ई नोट मिलता है, और अगर पहले होल पे करेंगे तो हमें लोअर ऑक्टेव का मिलेगा। इस तरह से, तो यानी कि जब हम डायटोनिक हारमोनिका खरीदते हैं किसी और की का, तो हमें मिडिल ऑक्टेव वाला नोट ही फोर्थ होल पे स्टार्ट मिलता है, और यानी कि जो सी के रेफरेंस में देखेंगे तो उसके आगे का नोट मिलेगा ई की पे। उसी तरह से एफ पे मिलेगा, एफ की का अगर मैं हारमोनिका लेता हूँ, ये एफ की का हारमोनिका है, ये फोर्थ होल ब्लो करने से एफ बज रहा है, मिडल ऑक्टेव का ही बज रहा है सी के रेफरेंस में। तो आप देखिए मिडल ऑक्टेव वाला ही नोट इसके स्टार्टिंग का नोट है, यानी कि फोर्थ होल का, यानी कि अगर हम सी को रेफरेंस माने तो उसके राइट साइड वाला एफ नोट हमको मिल रहा है। अब हम जब जी की का हारमोनिका लेते हैं तो वहाँ से एक चेंज मिलता है हमको, जी की अब सी की के हारमोनिका पे मैं जी नोट बजा रहा हूँ मिडिल ऑक्टेव का, यानी कि सी ई जी सी को अगर हम देखते हैं तो हमें फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ होल पे सिक्स्थ होल पे ब्लो करने से मिल रहा है, और मैं अगर जी की का हारमोनिका का फोर्थ होल जो कि जी होगा उसको अगर बजाता हूँ तो आप देखिए ये लोअर ऑक्टेव वाला जी हो जाता है। फोर्थ होल पे लोअर ऑक्टेव का जी मिल रहा है, यानी कि इसके रेफरेंस में हमें लोअर ऑक्टेव का नोट मिल रहा है फोर्थ होल ब्लो करने से, तो यहाँ पे आपको एक चेंज मिलेगा। इसलिए जितनी मेरी जानकारी है उसके हिसाब से डायटोनिक हारमोनिकास जो होते हैं टेन होल के, उनमें अगर हम एफ स्केल तक के हारमोनिका लेते हैं तो हमें मिडिल ऑक्टेव वाला स्टार्टिंग नोट मिलेगा फोर्थ होल ब्लो पे, लेकिन जब हम जी या उससे आगे का हारमोनिका लेंगे तो हमें उसके लोअर ऑक्टेव वाला नोट से स्टार्टिंग मिलेगी फोर्थ होल पे, जैसे कि जी पे हो रहा है। ये एक बात हो गई। अब उससे इम्पॉर्टेंट, हालांकि काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन फिर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आप इसको देखिएगा, और जितनी मेरी जानकारी है उसके हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप जब नया हारमोनिका खरीदें तो आपको आप अपनी कम जानकारी के वजह से कोई गलत चीज़ ना खरीद लें, इसमें शायद आपको मदद मिलेगी। अब चलिए हम बात करते हैं क्रोमैटिक हारमोनिकास की। रेफरेंस के लिए मैं 12 होल्स का ही हारमोनिका ले रहा हूँ, क्योंकि वही सबसे स्टैंडर्ड माना जाता है, जिसमें चार होल फर्स्ट फोर होल्स पे आपको लोअर ऑक्टेव के नोट्स मिलते हैं, उसके आगे
पांचवें होल को ब्लो करने से हमें अगर सी है तो सी की हारमोनिका है तो हम सी नोट पाते हैं, अगर डी है तो हम डी नोट पाते हैं वगैरह वगैरह। तो वो थ्योरी तो सेम रहती है, लेकिन एक बहुत मेजर डिफरेंस है जो अभी हम देखेंगे। अब चलिए सी की का ये हारमोनिका है, इसका हम जानते हैं फिफ्थ होल को ब्लो करूँगा तो सी नोट मिलेगा। उसके फर्स्ट होल पे हमें लोअर ऑक्टेव वाला नोट मिलता है सी। तो ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा। अब हम उठाते, अगर हमें लग रहा है कि हम अब क्रोमेटिक हारमोनिका अगर हम ख़रीदना चाहते हैं किसी और की का, यानी फॉर एग्जांपल हम जी की का या डी की का, ई की का, कोई भी हारमोनिका लेना चाहते हैं अभी, तो हम ये समझते हैं अगर हमने डी की का हारमोनिका ऑर्डर किया तो हमको सी के बाद जो डी है यानी कि इसमें हमको फिफ्थ होल ब्लो करने से मिडिल ऑक्टेव का सी मिल रहा है और ड्रॉ करने से मिडिल ऑक्टेव का डी नोट मिल रहा है। तो ये ड्रॉ करने से हमको मिलता है डी नोट। तो हम ये सोच के डी की का हारमोनिका अगर ऑर्डर करें कि फिफ्थ होल को ब्लो करने से डायटोनिक की तरह ही हमें मिडिल ऑक्टेव का डी नोट से शुरू होगा फिफ्थ हमारा मिडिल ऑक्टेव का, लेकिन वो गलत हो जाता है क्योंकि जब हम डी की का हारमोनिका ऑर्डर करके मंगाएंगे तो हम पाएंगे क्रोमेटिक कि हमें लोअर ऑक्टेव वाला जो है वो डी नोट मिल रहा है फिफ्थ होल पे, यानी कि एक ऑक्टेव लोअर हो जाता है सारे के सारे ऑक्टेव रेफरेंस लें अगर। तो जैसे अभी अब मेरे पास ये डी की का हारमोनिका है लेकिन इसको रिवर्स करके डी शार्प बनाया हुआ है, तो अगर मैं इस पे बजाऊँ आपको सी की के हारमोनिका पे, तो डी बजाते समय अगर मैं स्लाइडर को प्रेस करूं तो डी शार्प मिल जाएगा। अब आप देखिए ये हमने मिडिल ऑक्टेव वाला डी नोट लिया था, अगर मैं अब डी शार्प वाला हारमोनिका लेता हूं तो हमें वो नोट नहीं मिलेगा, उससे लोअर ऑक्टेव वाला डी शार्प मिलेगा। तो आप देखिए ये जो सी नोट था मिडिल ऑक्टेव का, उससे पहले वाला जो डी नोट है वहाँ से आपको इसका मिडिल ऑक्टेव शुरू हो जा रहा है। तो अगर आपको सारे के सारे नोट्स एक ऑक्टेव शिफ्टेड मिलेंगे और नीचे वाला जो ऑक्टेव है लोअर वो बहुत ही लोअर ऑक्टेव होगा। तो कई हारमोनिका मैन्युफैक्चरर आपको देखेंगे एल एक एल का प्रीफिक्स लगा रहता है जिससे लोअर ऑक्टेव को डिनोट करता है, लेकिन इनवेरिएबली कुछ भी नहीं अगर लिखा हुआ है, डी अगर मंगाएंगे आप ई मंगाएंगे सारे के सारे क्रोमेटिक हारमोनिकास आपको मिलेंगे लोअर ऑक्टेव वाले जगह से इसकी शुरुआत होती है, यानी कि एक लोअर की तरफ जाएगा। अगर हम सी मिडिल ऑक्टेव के सी को रेफरेंस मानते हैं तो उसके राइट साइड वाला जो है वो नोट्स नहीं मिलेंगे हमको, उसके पहले वाले से मिडिल ऑक्टेव शुरू हो जाएगा। तो अब मैं उसी तरह से इसमें ये जो पहले वाला फंडा था कि जी की से चेंज होता था, इसमें ये भी नहीं हो रहा है। अब ये मेरे पास जी की का एक हारमोनिका है तो वो भी मैं आपको बजा कर दिखाता हूँ। ये देखिए तो मेरा जो रेफरेंस सी हारमोनिका है वहाँ से अगर मैं थर्ड
थर्ड होल पे ब्लो कर रहा हूँ तो लोअर ऑक्टेव का जो जी नोट मिल रहा है, लोअर ऑक्टेव का, अब इसमें जो फिफ्थ होल ब्लो है वो लोअर ऑक्टेव वाला नोट मिलता है, यानी कि वहाँ से शुरू होगा। आप देखिए, और अगर इसका मिडल ऑक्टेव देखते तो उसके लिए तो एक ऑक्टेव आपको शिफ्टेड मिलेगा, यानी कि जब भी आप क्रोमैटिक हारमोनिका किसी और की का ऑर्डर करते हैं या ख़रीदते हैं तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको लोअर ऑक्टेव वाला नोट यानी कि एक ऑक्टेव शिफ्टेड मिलेगा लोअर की तरफ। तो ये जानकारी नहीं होने से कई बार हम ऐसा डी की का हारमोनिका ख़रीदते हैं और वो इतना लोअर रहता है कि ज़्यादा आपको काम में नहीं आता है। तो मैंने सोचा ये बहुत लोगों के साथ ये प्रैक्टिकल चीज़ होती है, तो मैंने जो नोटिस की आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो गया, मुझे लगता है कि आपके लिए जो भी अपने सीकी के हारमोनिया के अलावा कोई और हारमोनिका ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए शायद इम्पॉर्टेंट होगा और उनको डिसाइड करने में आसानी होगी। तो चलिए, अगर आपको यूज़फुल लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, और आज का वीडियो एंड करता हूँ। देखने के लिए बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।